गौर करने वाली बात यह है कि आप इसके जो दीवार है, दीवार गाइस ये है मंदिर का कुछ सीन। सो गाइस फाइनली सच बताऊं तो पूरा टहलने के बाद जो सुकून नाम का चीज़ है वो मुझे यहाँ मिला है। है गाइस वेलकम बैक टू दिस अनदर फ्रेश व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ मुक्तांगन। सो अभी मैं हूँ जिंदल लिटरेरी के पास और यहाँ चल रहे फोटोशूट मेरे पीछे देख सकते हो। मैं बैक कैमरा से आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। सो गाइस अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिलहाल रायपुर में हूँ तो रायपुर से रिलेटेड हर चीज़ आपको शो करता हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मुक्तांगन को। मुक्तांगन एक ऐसा प्लेस है जहाँ छत्तीसगढ़ का जो सॉन्ग होता है, जो यहाँ का लोकगीत होता है, बहुत सारा शूट ऑलरेडी हो चुका है। सो आज मैं संडे का दिन है, सोचा कि आज विजिट करूँगा, वहाँ ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा और मतलब पब्लिक भी ज़्यादा आई होगी। और अभी मैं हूँ यहाँ, आपको अगेन बता दूँ कि जिंदल रोटरी के पास बहुत ही बढ़िया ये एक बैकग्राउंड है पीछे देख सकते हो फोटोशूट के लिए। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, डायरेक्ट मुक्तांगन आपको मिलता हूँ। सो गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो वो दिखाना चाहूँगा मुक्तांगन का जो बाउंड्री गेट है वो। अब गेट पे देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाए गए हैं और इसके बारे में नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये आप यहाँ जब आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल चलते हैं और टिकट लेते हैं एक। सो जितना ये सब बाइक दिख रहा है किसी का कोई चार्ज नहीं पे किया गया है, सबका सब फ्री पार्क है। और सामने आपको दिख रहा होगा टिकट काउंटर, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ मैं भी एक अपना टिकट ले लेता हूँ सबसे पहले। सो गाइस आज का माहौल का बात करूँ तो माहौल ठीक ठाक है, लोग आए हुए हैं और इधर देख सकते हो चाट गुपचुप का है, ऐसा दो चार और दुकान है आगे की तरफ, अगर आपको चाट गुपचुप खाना है तो खा सकते हो। और ये है टिकट काउंटर, सबसे पहले एक टिकट घर से जाके एक टिकट लेते हैं। सो गाइस टिकट बड़ी मुश्किल से मिला है, जिसमें आप प्राइस देख सकते हैं, एडल्ट का 30 है, बच्चे लोगों का 20 है और बाकी टिकट के कुछ डिटेल है। सो गाइस मुक्तांगन का जो बाहर का सीन है, बाहर का सीन कुछ इस प्रकार नज़र आता है और भीड़ तो आप देख ही सकते हो। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप एंट्री करोगे मुक्तांगन में तो सबसे पहले आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ एक भालू को कुछ लोग शिकार कर रहे हैं। ये बस्तर का आदिवासी जो जनजीवन है उसको दिखाया गया है, जहाँ तक मैं पढ़ा था इंटरनेट से। तो आप देख सकते हैं कैसे एक भालू को कुछ जो शिकारी लोग हैं वो पहले के ज़माने में शिकार करते थे, ये उसको मतलब एक तरफ से दर्शाया गया है। लेफ्ट साइड में दोस्तों एक आपको जीप देखने को मिल जाएगा, जहाँ भी कैमरा से कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं। सो एक अच्छा खासा बैकग्राउंड आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप फोटो शूट कर सकते हैं। सो आज पीछे से मुक्तांगन का एंट्री गेट दिखाऊं तो सामने आपको दिख रहा होगा, और ये सभी जो जगह हैं वो खाली है, आप यहाँ घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इधर से जाएंगे तो इधर भी आप अंदर चले जाएंगे, जो मेन जाने का है वो वहाँ से है, वहाँ से आप जाएंगे तो मेन मुक्तांगन को मतलब स्टेप बाय स्टेप अंदर जाएंगे, और साइड से जाएंगे तो आप डायरेक्ट सीधे अंदर निकल जाएंगे। तो हम जाएंगे मेन से ताकि आपको सभी कुछ दिखता हुआ लगे। गाइस वेलकम टू मुक्तांगन। अभी मैं मुक्तांगन के मेन गेट पे हूँ और आगे पीछे का माहौल देख सकते हो कितने लोग आए हैं। तो आज मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ मुक्तांगन को। मुक्तांगन में जो भी चीज़ें होंगी वो सभी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इफ़ यू गाइस अच्छा लग रहा है व्लॉग, अच्छा लग रहा है वीडियो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो यहाँ का जो बेस्ट पार्ट मुझे दिखा वो मतलब जितने भी चीज़ आपको आजू बाजू देखने को मिल रहा है, सब में कुछ ना कुछ मतलब कलाकृति बनाया गया है जो कि बस्तर से रिलेटेड है, जो कि ओल्ड ज़माने का है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और आगे मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ हाउ मेनी थिंग आर अवेलेबल हियर। सो गाइस स्टैचू देख सकते हो मुक्तांगन में, ऐसे स्टैचू बहुत सारे बने हुए हैं। आप इधर देखोगे लाइन से तो पूरा का पूरा आपको वही स्टैचू देखने को मिलेगा, और लोगों की क्राउडेड देख सकते हो। और गाइस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के कुछ महापुरुष जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। सो गाइस जितने छोटे छोटे गुंबद आपको दिख रहे हैं, इस गुंबद में देखिए कितने सुंदर कलाकृतियाँ बनाया गया है जो कि बस्तर से रिलेटेड है। सो आप बस्तर को यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ये सभी में बनाया गया है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप ऐसे देख सकते हो, जो कि जो एंशियंट पिक्चर होती थी ना, जो एंशियंट मंदिर हो या जो भी, उस सभी को यहाँ इसमें एक एक बाई एक करके दर्शाया गया है। और ऐसे चारों तरफ एक गोल सा गुंबद देख सकते हो, और यहाँ इतना बड़ा स्पेस में ये बनाया गया है।
सो गाइस यहाँ कुछ डिटेल है इस मुक्तांगन के बारे में जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। मैं बताऊंगा तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। और ये देखिए दोस्तों कैसे छत्तीसगढ़ की जो औरतें होती थी पुराने जीवन में कैसे अपना जीवन व्यतीत करती उनको ये दर्शाया गया है। और यहाँ एक सज्जन है जिन्होंने हाथ में हथौड़ा और छेना पकड़ के, छेनी भी बोलते हैं चिज्जल इंग्लिश में बोले तो, और अपना काम कर रहे हैं, तो ये उनको पूरा का पूरा दर्शाया गया है। और ऐसे आगे भी है जहाँ एक कुम्हार बोलते हैं ना, वो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का काम यहाँ कर रहे हैं, तो उनका भी यहाँ हिस्ट्री आप देख सकते हैं। और अगर आप शाम को आते हो तो नीचे यहाँ लाइट भी है, बट फिलहाल अभी तो पानी भी नहीं है और लाइट की जो कंडीशन है उस हिसाब से लाइट जल नहीं रहा होगा। तो ये है कुछ यहाँ मेन सीन का नज़ारा। सामने मुक्तांगन का मेन एंट्री गेट, जैसे आप आएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ से बढ़ते आगे की तरफ, आगे की तरफ जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। सो एक एक गार्डन आपको विजिट करता हूँ और डिटेल बताता हूँ। देखते हैं तो आपको ड्रिंकिंग वाटर भी है जो कि फ्री है, आरओ का पानी है, कूल है, ठंडा भी मिलेगा, मैंने देखा वहाँ। और इधर है आमचो बस्तर, यानी कि जो बस्तर का जो भी आपको बता रहा था ये पूरा का पूरा बस्तर के तौर पे बनाया गया है। सो आगे जितना भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा सभी जो पुराने बस्तर थी उससे रिलेटेड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं पेड़ के नीचे कुछ फैमिली आई हुई है जो कि अपना पिकनिक मना रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पिकनिक, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं फैमिली के साथ या जैसे भी हो, फैमिली हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, आप देख सकते हैं। ये इधर मतलब बहुत से लोग आए हैं जो अभी पिकनिक मनाने में बिजी हैं। बढ़िया है, संडे का माहौल है, सभी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आई रिकमेंड यू कि आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें ना कि वेस्ट करें। सो गाइज आप यहाँ एक लकड़ी के ऊपर जो निकाला हुआ डिजाइन आप देख सकते हैं कितना प्योर डिजाइन है। ये लकड़ी का है, लकड़ी के चारों तरफ ऐसा डिजाइन बनाया गया है। और ऐसा खंभा जो मुझे दिखा आप देख सकते हैं यहाँ 5-7 से ज़्यादा ही खंभा ऐसा यहाँ मिल गया है। तो एक एक जो यहाँ का चीज़ है सभी का सभी स्पेशल है, खास है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो आप बिल्कुल एक बार विजिट कीजिए अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो, बहुत कुछ जानने को देखने को और मज़ा भी आएगा। आगे देख सकते हैं मेन गेट है और वहाँ कुछ लोग ऊपर गए हैं जहाँ मैं भी जाऊँगा। फिलहाल अभी देख सकते हैं बारिश हो रहा है तो बारिश से कुछ लोग उधर भाग गए और मैं भी यहाँ छुपने की कोशिश करूँगा। गाइस अभी जो माहौल ये है कि बारिश बीच बीच में हो रहा है जिस कारण मतलब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी रुका था, सभी जस्ट थोड़ा सा बारिश कम हुआ है और मैं निकला हूँ फिर से गार्डन में। सो पीछे एक बहुत बड़ा जो बाहुबली पिक्चर में यूज हुआ था जो रथ था उसको दिखाता हूँ आपको, मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअल में बाहुबली वाला रथ नहीं है, यहाँ का बस्तर गांव से रिलेटेड है और बहुत ही बड़ा है जहाँ तक मैं अभी उसको देख पा रहा हूँ, जस्ट उसके सामने में हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं ये है बड़ा सा रथ, बहुत बड़ा बड़ा है, दो टोक है। और अगर आपको नज़दीक ला के दिखाऊँ तो उसके जो चक्के हैं चक्के लकड़ी के हैं, मतलब पूरा पार्ट ही लकड़ी का बना हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना है ये। अब इसमें देखिए पूरा का पूरा ये लकड़ी का है। और इधर भी है एक और दो टोक है यहाँ, इधर सामान देख सकते हैं। कुछ लोग आए थे पिकनिक मनाने के लिए लेकिन अभी यहाँ नहीं है। सो पिकनिक के लिए बेहतरीन प्लेस है। तो अभी मैं चलता हूँ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ और आगे का आपको दिखाता हूँ आगे का माहौल क्या है। आप इधर साइड में देख सकते हैं लोग फोटो शूट कर रहे हैं, मतलब फोटो शूट तो हर एक इंसान ही कर रहे हैं यहाँ, जिसको देखो या तो कैमरा वरना मोबाइल, और मस्त शूट कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो विजिट कर सकते हैं। और फिलहाल देखिए हमें जाना है वहाँ ऊपर। सो ऊपर जाने के लिए मुझे वहाँ से सीढ़ी मिलेगा तो सीढ़ी का उपयोग करते हुए मैं आगे की तरफ जाऊँगा। ये है पुलांग मट्टा, जनजाति देवी देवताओं का स्थल है और ये है सीढ़ी। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं ऊपर और ऊपर से क्या व्यू मिलता है आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ भी वही क्लिकिंग द फोटोज, जो यहाँ का स्टेयर है, स्टेयर मुझे कुछ वीक लग रहा है बट फिलहाल इसी से ऊपर जाना है। सो आप सावधानी से ऊपर चढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा लकड़ी का है और लकड़ी और लोहा दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। और यहाँ से व्यू की बात करूँ तो व्यू कुछ इस प्रकार नजर आता है मुक्तांगन पूरा आपका। अभी नेक्स्ट उसमें जाना है एंड उधर 2-3 मंदिर भी है और ये जो पूरा एरिया है पूरा का पूरा एरिया मुक्तांगन के अंदर ही आता है। और जैसे ही गाइस यहाँ से अपोजिट देखते हैं यहाँ, तो यहाँ एक देख सकते हैं एक गणेश भगवान का कितना अच्छा एक मूर्ति है।
मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये मूर्ति कहीं और भगवान का बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में ही है, मुझे आइडिया नहीं है, उसी का मतलब टू को भी बोल सकते हो, ऐसा बनाया गया है जो कि वो मूर्ति पहाड़ के ऊपर कैसे दिखता है। सो आप उसे यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और आगे देखते हैं तो आगे वैसे बहुत सारी स्टैचू बनाया गया है जो कि मैं एक एक करके विजिट करूँगा। सो गाइस ये है बस्तर का दशहरा विधान चित्रण, तो इसका इतिहास अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ इतिहास इसका लिखा हुआ है। बाय द वे मैं इतिहास नहीं ध्यान देने वाला, मैं जस्ट इसके अंदर आता हूँ और अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ। सो गौर करने वाली बात यह है कि आप इसके जो दीवार है, दीवार पे जो बस्तर में जो भी मतलब वहाँ का जनजीवन था इन पास्ट, उस सभी को यहाँ चित्रण किया गया है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मतलब ऐसा दिखाया गया है, ठेला बोलते हैं ना, ठेला वाला का होगा। और आगे देख सकते हैं कितना मतलब गहराई से एक एक चित्र को बनाया गया है, ऐसा चित्र पूरे आपको दीवार पे ऐसे चारों तरफ बनाया गया है जो कि बीच में लोग अक्सर आके यहाँ फोटो क्लिक करते हैं। पीछे का जो बोर्ड आपको दिखाया था उसका हिस्ट्री था वो तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी एक सामने मेरे अच्छा खासा गेट है, गेट के अंदर मैं आ चुका था भाई देवे, बट मज़ा नहीं आएगा जब तक कि सामने से ना एंट्री मारा जाए, तो अभी मैं सामने की तरफ जाके उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या फील आता है। गेट तो ऐसे बहुत बढ़िया है, कुछ लोग यहाँ फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, हर जगह फोटोशूट यार यहाँ मतलब पक जाओगे फोटोशूट देखकर, राइट। पर ठीक है, इंजॉयबल चीज़ है, इंजॉय करना चाहिए लोगों को, लोग कर रहे हैं, सही बात है। सो अब मैं आपको यहाँ से बैक कैमरा से दिखाता हूँ जो पीछे का वॉल है उसका नज़ारा कैसा दिखता है और यहाँ से अंदर पे जाने पर क्या फील होएगा। पहले आपको आमचो बस्तर के बारे में यहाँ कुछ डिटेल मिल जाएगी जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ये मिल जाता है आपको गेट, क्योंकि गेट बहुत ही काफ़ी सुंदर दिख रहा है और इसमें भी कुछ चित्र कलाकृतियाँ बनाया गया ऊपर से। तभी मैं इसके अंदर जाता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि अंदर क्या क्या है इसके। जल ये निकलेगा आपके सामने मंदिर की तरफ, मंदिर के आगे भी वहाँ कुछ कुछ है तो उसको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। सो अंदर आने के बाद कुछ ये नज़ारा यहाँ का मिलता है और आपको दिखाता हूँ कि दीवार पर फिलहाल क्या क्या पेंटिंग बनाया गया है। सो गाइस दीवार पे आप देख सकते हो एलिफेंट का फिगर है, फिर कुछ कलश होता है, कलश या बर्तन आप बोल सकते हो, उसका कुछ फिगर बनाया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस आप इधर देख सकते हो कुछ लेडीज़ लोग जो है फोटो शूट कर रही हैं अपना स्टैचू के अंदर सर निकाल के, जो कि यहाँ का ट्रेंड है, अगर आप यहाँ आते हैं तो अभी ये ज़रूर कीजिएगा। गाइस फाइनली मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर के पास, ऐसा दूर से दिखने से प्रतीत होता है कि बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर के बारे में जो भी नॉलेज होगी आपको शेयर करूँगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आगे और भी कुछ देखने को मिलेगा, राइट। अभी तो फिलहाल मुक्तांगन में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, बाद में और भी बाहर कहीं जाता हूँ तो उसके भी शूट करके मैं दिखाऊँगा। तो अभी मैं जाता हूँ मंदिर के पास और मंदिर के पास देखते हैं मतलब नारायण पाल मंदिर जो मुझे बोर्ड पे दिख रहा है वो लिखा हुआ है, यानी कि नारायण पाल मंदिर का स्टैचू होगा छत्तीसगढ़ में कहीं और उसका डुप्लीकेट यहाँ बनाया गया, राइट। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है, पूजा वूजा नहीं होता है, बस फोटोशूट के लिए अच्छा लोकेशन है जो कि आपको बैक कैमरा से मैं भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पढ़ सकते हैं नारायण पाल मंदिर और ये है कुछ इसका डिज़ाइन, और यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कि फ़ोटो ही क्लिक करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको मैं घूम के आपको चारों तरफ से नज़ारा जो भी है वो दिखा दे रहा हूँ, राइट। वैसे आपको दिखने में नॉर्मल दीवार दिख रहा होगा लेकिन ये फोटो शूट इसमें बहुत ही बढ़िया होता है। इसके बीच में आप जाएंगे ना तो मतलब फ़ोटो की जो क्वालिटी कलर जो भी आता है बेहतरीन आता है। और इसके सामने आप जस्ट देखते हैं तो देखिए कितना बड़ा, एक्चुअली यहाँ लिखा है गुंसी राव देव, बस्तर का जनजातीय लोक देवता है, तो ये लोक देवता का मतलब स्टैचू है आप देख सकते हैं, ऐसा ही एक उधर भी बनाया गया है। सो दोस्तों ये है बूढ़ी माई का एक स्टैचू, आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं, और इनका स्टैचू कैसा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये रहा स्टैचू, यहाँ ध्वजा भी बनाया गया है, और जस्ट इसके सामने एक और इधर भी मंदिर टाइप का है जो कि आगे दिखाता हूँ ये क्या है। सो गाइस ये है माता गुड़ी, ग्राम देवी देवता का पारंपरिक पूजा स्थल है और ऐसा दिखता है। और यहाँ भी आप देखते थे कितने डिटेल से कलाकृति बनाया गया है, ये भी लकड़ी का गेट, और गेट पे देखिए कितना बेहतरीन बनाया गया है, जितने भी यहाँ का आदिवासी या भगवान देवी देवता जो भी है जिनका भी फोटो बनाया, कितना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, काबिल तारीफ है। आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी बहुत बढ़िया तरीके ढंग से बनाया गया है।
सो गाइस ये जो सेक्शन है, ये एरिया ऐसा बोल सकते हो, ये जनजाति जो लोहार होते थे, जो लोहा को पीट के औजार बनाते थे, ये उनका है। और ये भी बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है, और कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है इसको। सो गाइस पुराने ज़माने में जो घर होते थे किसानों को, कैसे घर होते थे उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। अबू झमाड़िया लोन, राइट, इसको पढ़ सकते हो। और अब मैं दिखाता हूँ इस बांस के घर को क्या डिजाइन है। वैसे यहाँ कुछ डाटा ज़्यादा डिटेल लिखा होता, बट अभी नहीं लिखा है क्योंकि किसी ने तोड़ दिया है या टूट के गिर गया है। तो ये देखिए बांस का घर है, और अंदर आने पर आपको, जैसे आप अगर रामायण देखे होंगे तो जो कुटिया का सीन था ना, कुछ इसी प्रकार था। जो सबरी माता का कुटिया था वो कुटिया, और ये मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रामायण बहुत पहले देखी थी। तो ये कुटिया टाइप ही है, आप इधर देख सकते हो, और ये देख सकते हो ऊपर बांस का ही है घर है पूरा का पूरा। और इसमें देखा जाए तो फिलहाल अभी लॉक लगा है। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये इंडियन कल्चर में पता नहीं कब से चला आ रहा है, जहाँ भी पेड़ पौधा दिखे वहाँ रानू वेड्स भानु लिख देंगे, है ना, ए वर्सेस बी, ए प्लस बी, मतलब ये तो आपको दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये है कोया लोन, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बस्तर के सुकमा बीजापुर में, मतलब वही आदिवासी लोग जो पुराने घर में कैसे रहते थे उसके बारे में कुछ डिटेल था, आप वहाँ पढ़ सकते थे। और इसके अंदर चलते हैं तो इसके अंदर कैसा नज़ारा है, ये वे लोगों के बारे में है। तो यहाँ भी कुटिया टाइप ही है, बस यहाँ ये जो मोटे मोटे थोड़े बल्ले के बनाए गए हैं। और इधर ये मिट्टी के घर है, वो आपको जो घर था वो बांस का था, बट ये जो घर है प्योर मिट्टी का है, ये मिट्टी है। और यहाँ भी गेट जैसे कि यूजली लॉक है। और भाई ये मुक्तांगन है, बहुत बड़ा है, मैं अभी लगभग एक तरफ तो गया ही नहीं हूँ अभी, मतलब 50% एरिया के कवर करने आया हूँ, वो भी नहीं कर पाया हूँ जबकि थकान महसूस होने लगा है। मेरे पीछे एक अच्छा सा मंदिर दिख रहा है, सो मंदिर आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। और देखा जाए तो बहुत बड़ा है, अभी कुछ कुछ मंदिर यहाँ बन भी रहा है, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन उसका पूरा नहीं हुआ है, सो वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी चलता हूँ मैं मंदिर के पास, आप पीछे देख सकते हो। और पहले बार जब मैं यहाँ आया था तो उसमें मेरे को ये मंदिर नहीं दिखा था, बट फिलहाल अभी मुझे दिखा, तो आपको मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ क्या व्यू मिलता है यहाँ का मंदिर का। तो ये है मंदिर का कुछ सीन, और बोर्ड पे जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ उड़ीसा उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कौन सा लैंग्वेज है क्योंकि हिंदी इंग्लिश ही मेरे को समझ आती है। और फिलहाल मैं चलता हूँ मंदिर की तरफ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या अवेलेबल है, किस भगवान का मंदिर है, अगर कुछ होता है बोर्ड होता है तो। सो गाइस ये हो यहाँ का मंदिर, बाय द वे यहाँ का कोई भी डिटेल मुझे नहीं मिला क्योंकि यहाँ का बोर्ड कोई भी नहीं लगा है, और साइड में जंगल तरफ है, तो मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, बट बाहर से आपको जो भी ओवरव्यू है वो आपको लुक दे दे रहा हूँ, राइट। सो गाइस फाइनली सच बताऊँ तो पूरा टहलने के बाद जो सुकून नाम का चीज़ है वो मुझे यहाँ मिला है। आप यहाँ का व्यू देखो, नीचे कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, और ये पत्थर पहाड़ जैसा बनाया गया है, और ये कुछ ऊंचाई पे भी है जहाँ आप हो। और इधर से आपको मंदिर जो दिखा था वो मंदिर है, सो मैं फिलहाल यहाँ कुछ देर वेट करूँगा, सुकून लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। सो गाइस फाइनली बहुत देर बाद ऐसा एक जगह मिला जहाँ मैं थोड़ा सा चिल आउट मार सकता हूँ, और पीछे देख सकते हो और पत्थर पहाड़ जैसा है, और नीचे कुछ लोगों को आपको दिखाया ही था फ़ोटो शूट करें, राइट। तो ये मतलब बेहतरीन प्लेस है, अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो आप कंफर्म करो कि संडे को जब भी आते हो तो लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, और माहौल मतलब एक क्रिएट हो गया अच्छा सा मिलेगा। बाकी दिन आओगे थोड़ा सा कम लोग मिलेंगे, और आज तो मतलब वेदर भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया वेदर है, बारिश होने वाला है, बीच में हो भी रहा था जिससे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बट फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा चिल आउट मारने के बाद आगे का जो भी यहाँ मेरे ख्याल से अभी 50% और कवर करना है, क्योंकि एक और एरिया है जो मैं अभी कवर नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ इधर आ गया हूँ। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये मतलब अगर 50% आधा मान लो, आधा मैं कवर किया हूँ, आधा उधर बचा है कवर करने को। तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकलूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ उधर क्या क्या सीन।